नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहती। आए दिन वो किसी न किसी पर तंज कसती ही रहती। हाल ही में उन्होंने फिल्म मेकर करण जौहर को लताड़ लगाई थी। अब लीजिए, बॉलीवुड की क्वीन ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से पंगा ले लिया। ये हर किसी को पता है कि देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी, दिन पर दिन हालात खराब होते जा रहे। कोरोना की दूसरी लहर इतना भयानक रूप लेकर आई है कि अब हॉस्पिटल्स में बेड्स की भी कमी हो रही। हाल ही में दिल्ली की खराब स्थिति को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से मदद मांगी थी, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी से मदद मांगना कंगना रनौत को कुछ खास रास नहीं आया और उन्होंने सीधा सीधा दिल्ली के सीएम पर तंज कस दिया। सभी को पता है कि जब से कंगना सोशल मीडिया पर आई है तभी से वो काफी एक्टिव रहती। आए दिन देश और दुनिया से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से सबके सामने रखती। अब केजरीवाल के पीएम से मदद मांगने पर चुटकी लेते हुए कंगना ने ट्वीट कर लिखा कि इन शॉर्ट, बचाओ बचाओ बचाओ, मोदी जी बचाओ, हमने जितना रायता फैलाना था फैला दिया, अब आप इसे साफ करो, ये रहा रायता और ये आपकी दिल्ली, संभालो। हा हा, घुमा फिरा के बोलने से सिर्फ बात बदल सकती है, उसका मतलब नहीं। अब कंगना के ट्वीट पर लोग जमकर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। कई लोग कंगना के पोस्ट पर उनका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कई कंगना को खरी खोटी भी सुना रहे। बता दें कि हाल ही में दिल्ली में कोविड से बिगड़ते हालात के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर है, कोरोना में बेड्स और ऑक्सीजन की भारी कमी, वहीं लगभग सभी आईसीयू बेड्स भर गए। इसकी जानकारी हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और गृह मंत्री अमित शाह को भी दी है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। इस महामारी में अभी तक हमें केंद्र सरकार से काफी सहयोग मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि उपयुक्त विषयों पर भी आप हमारी मदद जरूर करेंगे। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर 7000 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने की मांग की। चिंता की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट पिछले 24% से बढ़कर 30% हो गई। संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में बेड तेजी से खत्म हो रहे हैं। बताते चलें कि कोरोना की चपेट में आम लोगों से लेकर बॉलीवुड स्टार्स सब आ रहे हैं। कोरोना के कहर को देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया ताकि इसे कंट्रोल में किया जा सके। वैसे कंगना रनौत के ट्वीट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।